कोई नहीं होता मेरे रूम में, जब मैं पढ़ता हूं तो मेरी किताबें मुझसे बात करती हैं, ध्यान रखना। बिन बुलाए भी किताब बुलवाया करती है, मौन रहकर भी किताबों से बात हो जाती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, 10 लक्षण पर्व समापन की ओर है, सारी दुनिया को मित्र बनाओ, हम क्षमावाणी करेंगे। लेकिन आज मेरी एक बात मान लेना कि हर बच्चे, हर युवा, हर वृद्ध अपने जीवन में दिन भर में एक बार एक अच्छी किताब जरूर पढ़ा करो। एक अच्छी किताब तुम्हारे जीवन का उद्धार। ज्यादा नहीं पढ़ो, एक पृष्ठ पढ़ो, एक पेज पढ़ो, एक अच्छी किताब जरूर पढ़ना जिंदगी में। किताबें जीवन का उत्थान करती हैं, किताबें जीवन का परिवर्तन करती हैं। ऐसी किताब पढ़ना जो तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाने का प्रयास करे, पतन की ओर ले जाए वो पढ़ना नहीं पड़ता। गाली सीखने के लिए स्कूल जाना पड़ता है क्या? है कोई स्कूल तुम्हारे इस सूरत में जहां अच्छी अच्छी गालियां सिखाई जाती हो? हो तो एक आध बताओ, यहां 3-4 है ना। गाली बकना सिखाते हैं क्या? बोलो, गंदी चीजें सिखाते हैं क्या? अपशब्द बोलना सिखाते हैं क्या? ऐसा कोई स्कूल नहीं है। एक बात बताओ, क्या वजह है कि गाली बिना सिखाए आ जाती है और स्कूल का रट रट के भी याद नहीं होता है? ध्यान रखिए, विचार करना है, जीवन को सही दिशा में ले जाना है ना, एक अच्छी किताब जरूर पढ़ो अपनी जिंदगी में। मैं पढ़ता हूं, मैं भोजन बिन रह जाऊं किताब बिन नहीं रहता। रात को मेरी सेवा में, भैया व्रति में लोग आते हैं, वो अपना भजन गाते हैं, वो अपनी कीर्तन करते हैं, वो कोई मेरे पैर दबाता है, मैं अपनी किताबों से बात करते रहता हूं। अच्छा हुआ भगवान ने रात में मौन रखा, नहीं तो तुम तो रात में भी मुझे नहीं जीने दो। ध्यान रखना, भगवान ने बड़ी अच्छी व्यवस्था, मैं अपनी किताब पढ़ते रहता हूं। और एक बात याद रखना, मैं किताब भीड़ में भी पढ़ूं तो भी मुझे डिस्टर्ब नहीं होता है। ध्यान रखिए, मैंने पूना में एक विधान लिखा, महाअर्चना विधान, मालूम है कहां लिखा? ये तो सूरत वालों तुम्हारी किस्मत है कि मैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे बोल रहा हूं। पूना में नहीं बोला, अकेला प्रवचन करता था, स्टेज पे बैठा रहता था, और वह विधान 150 अर्घ का मैंने स्टेज पर बैठे बैठे लिख दिया। मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं होता संगीत से, मुझे कोलाहल से कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। रुचि, ध्यान रखना, जब लगन लगती है तो फिर कोई भी डिस्टर्ब, तुम्हें माला में डिस्टर्ब हो जाता है, तुम्हें पूजा में डिस्टर्ब हो जाता है, वो जोर से बोल रहा तुम डिस्टर्ब हो जाते हो, नहीं, यदि लगन हो ना तो कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। महात्मा गांधी विदेश में गए, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है, किसी सभा में वह मुख्य अतिथि बनाए गए। संचालक महोदय ने माइक लिया, उसी सभा में उस दिन किस्मत से कस्तूरबा भी साथ में थे। संचालक ने कहा कि भारत के राष्ट्रपिता आए हैं हमारे यहां मुख्य अतिथि बन करके, और ये हमारी किस्मत है कि उनके साथ उनकी मां भी आई है। अब वो बेचारा संचालक क्या जाने गुजरात में बा का अर्थ क्या होता है। बा का अर्थ मां होता है ना, कैसे गुजरात में रहते हो? बा यानी मां है ना, कस्तूर बा। गांधी जी प्यार से उसे बा कहते थे, कस्तूर नहीं कहते थे। तो संचालक समझा कि ये गांधी जी की मां है, उसने कह दिया कि सौभाग्य है कि गांधी जी की मां भी पधारी। पूरी सभा में सन्नाटा कि कैसा पागल आदमी है, पत्नी को मां कह रहा है। किसी ने जाके इशारा किया कि भाई साहब ये मां नहीं है, ये पत्नी है। उसने कहा बापू मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि ये आपकी पत्नी है, मैंने उसे मां कह दिया। गांधी उठे, संचालक की पीठ पर हाथ रखा, बोले पागल तूने कोई गलती नहीं की है, तूने मेरी आंखें खोल दी हैं, मेरी उम्र 70 साल हो रही है और अभी तक मैं इसे पत्नी मानता था, लेकिन तूने मेरी आंखें खोल दी,
इस उम्र में अभी पत्नी नहीं, आज से मेरी माँ के समान मेरे साथ रहेगी। उस दिन महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था ना। तूने हमारी आंखें खोल दी। ऐसा कौन आदमी होगा जो गलतियों पर भी शिक्षा ले लेता है? तूने हमें शिक्षा दे दी। इस उम्र में भी पत्नी का रिश्ता रखूंगा? नहीं, अब तो मेरा रिश्ता मां और बेटे का रिश्ता हो जाया करता। ध्यान रखना, ये होती ब्रह्मचर्य की साधना। मान्यवर, सोचना है आपको, एक उम्र होती है, एक उम्र के बाद रिश्तों में पवित्रताएं पैदा हो जाना चाहिए। वह उत्तम ब्रह्मचर्य की साधना अकेले मुनि के लिए नहीं बोली है, श्रावक के लिए भी बोली गई है। श्रावक के लिए भी ब्रह्मचर्य की साधना है। कम से कम इतना करो, स्वदार संतोष आपके लिए बोला है, अपनी ही पत्नी में संतुष्ट रहिए। आज कितना पतन हो रहा है संस्कृति का, आज सभ्यताओं का पतन हो रहा है। और जहां तक मैं समझता हूं कि भारत के इस आध्यात्मिक पतन में सबसे ज्यादा यदि किसी का हाथ है, किसने किया हमारा पतन, हमारी सभ्यताओं का सबसे ज्यादा किसी का हाथ है ना, तो सिनेमा का सबसे बड़ा हाथ हुआ करता है, इंटरनेट का सबसे बड़ा हाथ होता है, सैटेलाइट का सबसे बड़ा हाथ होता है। हमारी संस्कृति को मटिया मैट करके रख दिया। विचार करना है आपको, लोग कहते हैं फिल्मों में वही दिखाया जाता है जो समाज में होता है, फिल्में समाज का दर्पण है। मैं नहीं मानता, गलत बात, समाज में और कुछ भी होता है, फिल्में वो तो नहीं दिखाती है ना। कोई फिल्म ये दिखाएगा इस साधुओं का, तपस्वियों का भेष बने, कोई पिक्चर बनी इस पर आज तक? नहीं बनी ना। वासनाओं की पिक्चर बनती है, कामनाओं की पिक्चर बनती है। फिल्मों ने इस देश का सत्यानाश किया है, ध्यान रखना। मान्यवर, मेरा आपसे यही निवेदन है, समाज में अच्छी चीजें भी होती हैं, उनकी फिल्में कभी नहीं बना करती। हजार फिल्मों में एक आध कोई अच्छी आती होगी, ध्यान रखना। बाकी तो वही प्रपंच भरी हुई है, बाकी तो वही कामना और वासना से भरी हुई, अश्लीलता से भरी हुई है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, मैंने मां मुझे मालूम है तुम किसी के शिष्य नहीं हो, लेकिन तुमने गुरु बहुत बना रखे हैं, इतने गुरु बना रखे हैं, बहुत ज्यादा गुरु हैं तुम्हारे। मालूम है 3-4 गुरु तो तुम्हारे ऐसे हैं, फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक, राइटर, और वो हीरो हीरोइन, ये तुम्हारे गुरु हैं, ध्यान रखना। क्योंकि आज बच्चा फिल्मी स्टाइल में जीता है, बाल कैसे कटाता है फिल्मी स्टाइल में, बोलता कैसा है फिल्मी स्टाइल में, डायलॉग कैसे याद करता है फिल्मी स्टाइल में, ये कौन से स्टाइल, ये कौन से संस्कार सीख रहे हैं आप? विचार करिए, जो उनके सीख रहे हैं वो आपके गुरु हैं, ऐसे गुरु। बोलते ना हमारा हीरो, हीरो कौन होता है, क्या होता है हीरो, हीरो कौन, किसे कहते हीरो? वो जो पिक्चरों में शर्ट फाड़ता है वो हीरो है तुम्हारा? विचार करिए, जो दारू की बोतल हाथ में लेता है वो हीरो है तुम्हारा? जो लड़कियों के पीछे अश्लीलता करते भागता है वो तुम्हारा हीरो है? विचार करिए, हीरो किसे कहते हैं? हीरो यानी नायक। नायक कौन होता है? जो आदर्शों की स्थापना करता है वो नायक हुआ करता है, ध्यान रखना। जो संस्कारों की स्थापना करता है वो नायक हुआ करता है। ये नायक है तुम्हारे, ये तुम्हारे आदर्श है, ये तुम्हारी संस्कृति है। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है मान्यवर, मैं आपसे यही निवेदन करना जा रहा हूं, तुम्हारे विचार फिल्मी हो गए हैं, तुम्हारे अंदाज फिल्मी हो गए हैं, तुम्हारा खाना पीना फिल्मी हो गया है, तुम्हारा उठना बैठना फिल्मी हो गया है, तुम्हारे कपड़े फिल्मी हो गए हैं, तुम धार्मिक कहां बचे हो, तुम भारतीय कहां बचे हो, फिल्मी हो गए। पहले कहते थे ना हमारा बेटा दादाजी पे गया है, हमारा बेटा दादी पे गया है, अब कहा जाता हमारा बेटा स्टार प्लस पे गया है, हमारा बेटा जी टीवी पर गया है, हमारा बेटा फैशन शो में गया है। रात दिन वही देखोगे तो औलाद काय में जाएगी मेरे भाई, ध्यान रखना।